इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात आपके साथ कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। अभी तक की बहुत ज़्यादा यूजफुल वीडियो होने वाले हैं। इस वीडियो के माध्यम से आप अपने लाखों के होने वाले नुकसान को बचा सकते हो। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आशु, आशु में चार टेक्निकल के कौन वीडियो में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने आपको जो प्रोजेक्ट बना के दिखाया हुआ है वो इतना ज़्यादा यूज़फुल है कि आप इससे अपने होने वाले लाखों के नुकसान को बचा सकते हो। इवन मैंने भी उसको अपने घर पर लगा दिया है और बहुत बड़ी जनहानि होने से हम बचा सकते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ कि ऐसी चीज़ें किसी के साथ ना हो, ऐसी समस्याएं ना हो, लेकिन ऐसी समस्याओं से हमेशा हमें अवेयर रहना चाहिए, जिसके लिए मैंने इस प्रोजेक्ट को बनाया हुआ है। काफ़ी कमाल के वीडियो होने वाले इस प्रोजेक्ट को। आप तो घर पे अपने यूज़ कर सकते हो, इसके अलावा और कहाँ कहाँ पे आप इसका यूज़ कर सकते हो इसको मैंने वीडियो में आपको बताया हुआ है। वीडियो में मैंने आपको बहुत सारी जानकारी शेयर की हुई है। और इसके अलावा आप इस प्रोजेक्ट को अपने स्कूल और कॉलेज के प्रोजेक्ट कॉम्पिटिशन में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, जहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स और काफ़ी अच्छी रैंकिंग देखने को मिल सकती है। तो काफ़ी यूजफुल वीडियो होने वाली है, आप लोग वीडियो कंप्लीट वॉच कीजिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। यार, आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं बट वीडियो को लाइक नहीं कर देते, और चैनल पर नए चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को सेट कर लीजिए। ऐसी यूजफुल वीडियोज़ आपको हमेशा हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी, आप हमेशा कुछ नया सीखते रहेंगे और ये बिल्कुल फ्री भी है। तो चलिए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसकी बॉडी को बनाने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं अपने चहेते अपने मित्र भाई पीवीसी पाइप का, जो कि हम अपने लगभग सभी प्रोजेक्ट्स में यूज़ करते हैं। और मैं सोच रहा था, मैंने काफ़ी दिनों से एमडीएफ बोर्ड का यूज़ नहीं किया है, तो क्यों ना अब एमडीएफ बोर्ड का कोई यूज़ करें, कुछ प्रोजेक्ट बनाए जाएँ। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि आप कुछ एमडीएफ बोर्ड का यूज़ करना चाहिए, जैसे कि अब काफ़ी दिनों से हम लोग पीवीसी पाइप का ही यूज़ कर रहे हैं, तो थोड़ा सा मटेरियल में चेंजेस लाना चाहिए, कुछ और मटेरियल का चेंज करना चाहिए, कुछ और बेहतर डिज़ाइन लानी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने कुछ पीसेस कट करके रखे हुए हैं और इनके डायमेंशन मैं आपको स्क्रीन में दिखा रहा हूँ। अगर आप चाहें तो किसी बॉक्स का भी यूज़ कर सकते हैं इसकी सर्किट को सेट करने के लिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक बॉडी को बनाया हुआ है, तो आप किसी बॉक्स का, रेडीमेड बॉक्स का यूज़ करके इसके सर्किट को इसके अंदर सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सारे पीसेस मैंने दिखा दिए हैं, अब चलिए फटाफट सबसे पहले इसकी बॉडी को बना लेते हैं, जिसके अंदर हमारा पूरा सर्किट सेट होने वाला है। इसके सारे पीसेस कटिंग मैंने पहले से करके रखी हुई थी, जिससे वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी ना हो और काफ़ी इजी तरीके से आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। इसकी कटिंग करने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं हेक्सा ब्लेड का, उससे काफ़ी आसान तरीके से कट जाती है और हेक्सा ब्लेड ईजिली आपको हार्डवेयर की शॉप में 1500-1520 रुपये में मिल भी जाती है। तो यहाँ पर मैंने इसकी बॉडी को बना लिया है। अब आते हैं इसके सर्किट की तरफ। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ सामान मंगाया हुआ है और इस बॉक्स को मैंने अभी तक ओपन नहीं किया हुआ है। मैंने सोचा क्यों ना आपके सामने ही इसे ओपन करके दिखाया जाए। दोस्तों, बहुत बार क्या होता है, हमें स्कूल या फिर कॉलेज से कुछ प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिया जाता है, जिसके हम कुछ मार्क्स मिलते हैं, कुछ रैंक्स मिलती हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम होती हैं, जैसे कंपाउंड्स का नहीं मिल पाना, सर्किट का काम नहीं करना, या फिर उसे हम बना नहीं पाते हैं। तो ऐसी कारणों के कारण हम उस प्रोजेक्ट को वहाँ पर रिप्रेजेंट नहीं कर पाते, हमारे मार्क्स कट हो जाते हैं, हमारे रैंक वहाँ पर कट हो जाती है। तो ऐसी प्रॉब्लम का एक काफ़ी अच्छा सोल्यूशन है, वो है smartxprokits.in। दोस्तों, ये एक ऐसी स्टोर है, एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे आपको बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्कूल कॉलेज और आईओटी और भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्ट किट अवेलेबल होती हैं, जो कि फुली असेंबल्ड होती हैं, फुली वर्किंग होती हैं, फुली टेस्टेड होती हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली इसकी वेबसाइट पर जाना है, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ पर सिंपली आपको कोई एक प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है या फिर जो भी आप जितने ऑर्डर करना चाहें, सिंपली वहाँ पर आपको ऐड टू कार्ट करना है और उसे ऑर्डर कर देना है। जैसे वो आपके पास आएगा तो वहाँ पे आपको कुछ क्राफ्टिंग करनी है, मतलब उसके कुछ आप डिज़ाइन कर सकते हैं, कुछ क्राफ्टिंग करके उसे अपने स्कूल या फिर कॉलेज में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, इनकी वेबसाइट में मतलब इतने सारे प्रोजेक्ट अवेलेबल हैं कि भाई मैं यहाँ पे अगर नाम लेने बैठूँ तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं, कहीं ना कहीं हम खुद कन्फ्यूज़ हो जाएंगे कौन सा प्रोजेक्ट यहाँ पे रिप्रेजेंट करें। इसके साथ साथ यहाँ पे इनकी 3D प्रिंटिंग सर्विस भी अवेलेबल है। अगर आप कुछ 3D प्रिंटिंग करवाना चाहें तो आप यहाँ पे सिंपली अपनी फाइल को अपलोड करके 3D प्रिंटिंग भी करवा सकते हैं। तो दोस्तों, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वेबसाइट चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। और सबसे खास बात कि COD अवेलेबल है और काफ़ी कम प्राइसेस में आप यहां से प्रोजेक्ट किट मंगवा सकते हैं, और उसके अलावा बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जो आपको यहां पे मिल जाएंगे। तो ये है दोस्तों इनका कार्ड, यहां पे देख सकते हो, तो यहां पे सारी डिटेल्स मेंशन है। और इसके साथ हमको कुछ यहां पे गिफ्ट भी मिला हुआ है, यहां पे कुछ LED और रेसिस्टर यहां पे हमको ऐसा गिफ्ट मिले हुए हैं। और उसके बाद यहाँ पे ये हमारी प्रोजेक्ट पूरी किट यहाँ पे आप देख सकते हो, और ये पूरी अच्छे तरीके से पैक है, मतलब बिल्कुल भी इसको नुकसान ना पहुँचे। तो फटाफट से इसको बाहर निकालते हैं और आपको दिखाते हैं। तो काफ़ी अच्छी पैकेजिंग के साथ इसको भेजा गया है, आप यहाँ पे देख सकते हो। इस किट के साथ आपको यहाँ पे पूरा इंस्ट्रक्शन मिलेगा, एक मैनुअल मिलेगा और एक सर्किट डायग्राम, मतलब पूरा यहाँ पे डिटेल भी मिलने वाला है, पूरा पेपर वर्क भी मिलने वाला है। तो यहाँ पे किट के बारे में आपको मैं समझा दूँ, यहाँ पे दोस्तों एक गैस सेंसर लगा हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हो, और यहाँ पे एक रिले मॉड्यूल लगा हुआ है।
और यहाँ पे किसी भी आर्डिनो का यूज़ नहीं किया गया, किसी भी बड़े मॉड्यूल का यूज़ नहीं किया गया। तो मुझे एक अच्छी बात यहाँ पे ये लगी कि इस सर्किट को एकदम इजी बनाने का ट्राई किया गया है और इसकी जो कॉस्ट है उसको कम करने की कोशिश की गई है। मतलब काफ़ी कम खर्च में आप इसको बना सकें या फिर अपने स्कूल या फिर कॉलेज में इसको रिप्रेजेंट कर सकें। अगर आप स्टूडेंट भी हैं तो आपको वहाँ पर ज़्यादा खर्च ना आया, आप बहुत ही कम प्राइस में अपने प्रोजेक्ट को असेंबल करके वहाँ पर रिप्रेजेंट कर पाएँ। तो अब दोस्तों अपने इस प्रोजेक्ट को हम कंप्लीट करते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे सर्किट में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे। कनेक्शन में मैं कोई भी चेंजेस नहीं करूँगा, सिर्फ यहाँ पे थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन करूँगा, आपको एक आइडिया दूंगा कि किस तरीके से और भी बेहतर तरीके से आप इसको बना सकते हैं और भी अच्छी क्राफ्टिंग करके इसको स्कूल या फिर कॉलेज में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट अगर बात करें ना तो हर जगह के लिए यूज़फुल है। आप इसको स्कूल कॉलेज में रिप्रेजेंट तो कर ही सकते हैं, इसके अलावा जैसे कि बड़ी बड़ी होटल्स हो गई, छोटी होटल्स हो गई, ऐसी जगह जहाँ पे एलपीजी गैस का यूज़ होता है, जहाँ पे कुकिंग का काम होता है, ठीक है, और गैस के गोदाम्स हो गए, ठीक है, मतलब ऐसी जगह पे जहाँ पे एलपीजी स्टोर होती है, मतलब बहुत सी ऐसी जगह जहाँ पे एलपीजी गैस का यूज़ होता है, जहाँ से हमको ऐसा थोड़ा बहुत डर रहता है कि यहाँ पे आग लग सकती है, गैस लीकेज का खतरा हो सकता है, ऐसी जगह पे इस प्रोजेक्ट को हम लगा सकते हैं और बहुत बड़े नुकसान को होने से बचा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे में बहुत सारी जगह आ जाती है, जैसे कि किचन, होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, ठीक है, और भी बहुत सारी जगह, तो ऐसी जगह पे हम इसका यूज़ कर सकते हैं। कभी बार हमने देखा हुआ है कि ट्रेन में आग लग गई, कई बार हमने देखा हुआ है कि होटल में आग लग गई, कई बार हमने घर में आग लग गई, सिलेंडर की वजह से आग लग गई, तो ऐसी न्यूज़ हमको बहुत बार सुनने को मिलती है। तो जो ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं वो हमारे घर के लिए, हमारे होटल के लिए, हमारी ऐसी जगह पे लिए जहाँ पे हमको थोड़ा बहुत भी खतरा होता है, उसके लिए कई बहुत ही यूजफुल प्रोजेक्ट है, तो आप इसको बिल्कुल बना सकते हैं। और अगर आप कमेंट करते हैं तो इसे मैं और भी एक बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट करके दिखाऊंगा, इसको और भी स्मार्ट तरीके से बना के दिखाऊंगा। ठीक है, वहाँ पे मैं कुछ और भी स्मार्ट फीचर ऐड करूंगा जो कि और भी बढ़िया तरीके से होंगे और आपके सिक्योरिटी के लेवल को और भी बेहतर बना देंगे। तो आप लोग बताइए कि मुझे कि इसका कमेंट करके कि आपको इसका वर्जन 2.0 चाहिए या फिर नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली मैंने कनेक्शन किए हुए स्विच यहाँ पे मैंने बीच में लगा दिया है और हमारी जो पावर की वायर है उसको हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया और हमने उस पावर की वायर में, नेगेटिव वाली वायर में बीच में हमने स्विच लगा दिया है। उसके बाद यहाँ पे मैं 3 पीस RGB LED का यूज़ कर रहा हूँ, ये 8mm की RGB LED है और इस RGB LED का यूज़ हम कर रहे हैं एज अ वार्निंग इंडिकेटर। मतलब कई बार क्या होगा कि मान लीजिए आपके घर में कोई ऐसा पर्सन है जिनको सुनाई नहीं देता, यहाँ पे बज़र तो लगा ही हुआ है, तो वो इस LED के माध्यम से समझ पाएंगे कि यहाँ पे गैस लीक हो रही है और गैस को बंद कर पाएंगे। तो ये वार्निंग इंडिकेटर्स की तरह काम करेंगे। इनका जो कलर मैंने चूज़ किया वो काफ़ी यूनिक है, जो कि वार्निंग कलर होता है। ठीक है, अभी जब आपको टेस्टिंग करके दिखाऊंगा तब आपको पता चलेगा कि किस तरीके से काम करता है। तो यहाँ पे हम इसको हम पैरेलल में कनेक्ट कर लेंगे, पैरेलल कनेक्शन यहाँ पे हमको करना है। तो यहाँ पर मैंने तीनों LEDs को यहाँ पे पैरेलल में कनेक्ट कर लिया है और इसके साथ मैंने एक एक वायर कनेक्ट कर लिया है। तो इसकी जो पॉजिटिव वाली वायर है उसको हमको सेंसर की फर्स्ट वाली लेग पे कनेक्ट करना है, जहाँ पे आप देख सकते हो तो येलो वाली वायर कनेक्ट है, वहीं पे हमको इसके पॉजिटिव वाली वायर को कनेक्ट कर देना है। और इसकी जो नेगेटिव वायर है LED की, इसको हमको रिले के फर्स्ट वाले पॉइंट पर कनेक्ट करना है, जहाँ पर हमारा ब्लैक वायर कनेक्ट है वहाँ पर हमको नेगेटिव वाली वायर कनेक्ट करनी है। कनेक्शन काफ़ी सिंपल है, इजिली हम इसी सर्किट के साथ कनेक्ट कर देंगे। जैसे यहाँ पर आउटपुट आएगा, मतलब बजर बजेगा, उसके साथ ही ये LED भी ग्लो होने वाली है। दोस्तों हमारे काफ़ी बार क्या होता है, आपने कभी ना कभी देखा होगा कि हर जगह फायर अलार्म लगा होता है जो कि डिटेक्ट करता है आग को, मतलब आग जब लग जाती है उसके बाद अलार्म करता है। तो क्यों ना हम आग लगने की वजह को पकड़ें। मतलब कई बार क्या होता है कि फायर अलार्म तो लगा होता है जो कि हमें आग लगने के बाद बताता है, लेकिन उसकी आग लगने की वजह क्या है, जैसे कि कई होटल्स हो गए, ट्रेन की पेंट्रीज हो गई और किचन हो गए, मतलब ऐसी काफ़ी सारी जगह होती हैं जहाँ पे आग लगती है, तो वहाँ पे मेन वजह क्या होती है, मेन रीज़न क्या होता है। काफ़ी बार आपने देखा होगा कि वहाँ पे गैस लीकेज हुई है, सिलेंडर फटा है गैस लीकेज की वजह से, ऐसी बहुत सारी वजह होती हैं। तो जैसे हम फायर अलार्म लगाते हैं तो क्यों ना हम वहाँ पे गैस लीकेज का भी अलार्म लगाएं, क्योंकि भाई LPG हम जितना यूज़ करते हैं, जितनी यूज़फुल है उतनी ज़्यादा हानिकारक भी तो है, मतलब उतनी ख़तरनाक भी तो है। तो क्यों ना हमें आग लगने के पहले ही पता चल जाए कि आग लगने की मेन वजह ये है और उससे हम पहले ही अवेयर हो जाएँ। तो यहाँ पर मैंने एक LED ली है, उसके साथ मैंने 1K का रेसिस्टर कनेक्ट किया हुआ है और इस LED की जो नेगेटिव वाली वायर है वो हमें स्विच के एक दूसरे पॉइंट के साथ कनेक्ट करना है, जहाँ पे नेगेटिव सप्लाई हमको आएगी और जो पॉजिटिव वाली वायर है हम TP4056 के आउटपुट पॉजिटिव वाले पॉइंट के साथ कनेक्ट करेंगे। बेसिकली LED मैं लगा रहा हूँ ऑन ऑफ इंडिकेटर के लिए, जैसे हम इसको ऑन करेंगे तो LED भी ऑन हो जाएगी और हमको पता चल जाएगा हमारी जो डिवाइस अब ऑन हो चुकी है। दोस्तों यहाँ पे सारे कनेक्शंस कंप्लीट हो चुके हैं, तो यहाँ पे जो भी वायरिंग्स है उसको मैं अच्छी तरीके से पूरी बॉडी के अंदर सेट कर देता हूँ और फटाफट से इसको कंप्लीट करता हूँ। उसके बाद आपको पूरी टेस्टिंग करके दिखाता हूँ किस तरीके से हमारी डिवाइस काम करने वाली है।
तो यहाँ पे सेंसर को सेट करने के लिए मैंने एक छोटा सा स्टैंड बनाया हुआ है, जिसके थ्रू यहाँ पे मैं बीचों बीच सेंसर को सेट कर दूंगा। थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा, सेंसर का जो एंगल होगा उसको अच्छी तरीके से सेट करना है, जिससे कि वहाँ पे जो गैस है वो अच्छी तरीके से पहुँच पाए और जल्दी से जल्दी वो गैस को डिटेक्ट करके अलार्म दे पाए। तो यहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके से सेंसर को ग्लू गन से मैंने चिपका दिया है। उसके बाद यहाँ पे मैं एक जाली ले रहा हूँ, जो कि सामने की तरफ हम लगा देंगे, इसके अंदर कोई हाथ वगैरह ना डाल पाए, ठीक है। तो दोस्तों फाइनली हमारा जो गैस डिटेक्टर प्रोजेक्ट है वो पूरी तरीके से बन के रेडी हो चुका है, और बिना आर्डिनो बिना कोई एक्स्ट्रा मॉड्यूल के हमने इसका यूज़ करके बनाया हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हो, कोई भी यहाँ पे हमने महंगे मॉड्यूल का यूज़ नहीं किया हुआ है, काफ़ी कम खर्च में आप इसको बना सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दी हुई है और देखने में कुछ इस तरीके का लग रहा है। साइड में यहाँ पे हमने एक ऑन ऑफ की स्विच दी हुई है, रिचार्जेबल है। नीचे आपको एक टाइप सी सॉकेट देखने को मिल जाएगा, जिसके थ्रू आप इसको चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे ऊपर की तरफ यहाँ पे एक बज़र दिया हुआ है, एक आउटपुट की LED दी हुई है जिसके थ्रू हमको सिग्नल मिलेगा, और 3 LED मैंने अलग से लगाई हुई है जो कि वार्निंग इंडिकेटर है। बाय चांस कोई आपके घर पे ऐसा पर्सन है जो सुन नहीं पाता है, तो ये LED के थ्रू वो समझ पाएगा कि यहाँ पे गैस लीक हो रही है, गैस लीक का सिग्नल यहाँ पे हमको मिल रहा है। तो इसको चार्ज करने के लिए सिंपली मैंने टाइप सी केबल का यूज़ किया है। आप यहाँ पे देख सकते हो, तो अंदर एक इंडिकेटर दिख रहा है और साइड से भी आप इंडिकेटर देख सकते हैं, लेकिन सामने से ओपन है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए अब इसकी टेस्टिंग करते हैं। तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ किचन में और गैस के पास मैंने इसको रख दिया। आप यहाँ पे देख सकते हो, डायरेक्टली मैं आपको यहाँ पे गैस से टेस्ट करके दिखाने वाला हूँ, किसी भी अदर चीज़ का यहाँ पे यूज़ नहीं करूँगा, सीधे मैं आपको LPG डिटेक्ट करके दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं रेगुलेटर को ऑन करता हूँ, मैंने स्विच को ऑन कर दिया है। और आप लोग देख सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पे गैस ऑन किया, बस कुछ ही सेकंड में इसने डिटेक्ट कर लिया और यहाँ पे तुरंत अलार्म आने लगा। अलार्म भी काफ़ी ज़्यादा लाउड है, प्लस यहाँ पे इंडिकेटर भी देख सकते हो ऊपर रेड और ब्लू कलर के ब्लिंक करने लगे हैं। तो इस तरीके से अगर कोई बंद सुन भी नहीं पाता है तो उसको ईजिली पता चल जाएगा कि यहाँ पे गैस लीक हो रही है, और इसीलिए मैंने बज़र और इंडिकेटर दोनों चीज़ें लगाई हुई हैं, और ये जब तक बजता रहेगा जब तक गैस लीक होती रहेगी, ठीक है। अगर हम बंद कर देंगे, इसको लगेगा कि अब मामला क्लियर हो चुका है, तो तुरंत बंद हो जाएगा। दोस्तों इस डिवाइस को हमें अपने घर पे ऐसी जगह पे सेट करना है, अपनी होटल या फिर कोई भी जगह है वहाँ पे ऐसी जगह पे सेट करना है जहाँ पे गैस का यूज़ होता है, उसी के आसपास हमको इसको सेट करना है, जैसे अगर थोड़ी भी गैस लीक हो तो हमको तुरंत पता चल पाए और तुरंत हम गैस लीकेज को बंद करके किसी होने वाले बड़े नुकसान से बचा सकें, फिर बच सकें। तो इस तरीके से आप इस डिवाइस का यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी स्मार्ट तरीके से काम करती है। तो यहाँ पर मैं ज़्यादा गैस वेस्ट नहीं करूँगा, मैंने आपको पूरी टेस्टिंग करके दिखा दी और काफ़ी अच्छे तरीके से हमारा एक गैस डिटेक्टर काम कर रहा है। मेरा सजेशन है कि इसे जरूर बनाइएगा, काफ़ी इजी तरीके से हम इसको बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद भी आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा सभी के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं किसी नेक्स्ट प्रोजेक्ट के साथ। आप सभी अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।